हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस, लगभग नर्स्ट इक्वेशन तक जितना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट्स वाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी तो काफ़ी कर चुके हैं हम लोग, अब उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों जे एडवांस जे मेंस वगैरह में पूछे गए हैं, वो हर टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों दे आर कंप्लीट मटेरियल, आप इनको पूरा आप रिलाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू डू ऑसम बच्चों। तो इसीलिए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो है शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल्स पहुँचे। बच्चों इजी मैथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्राइटन ट्यूटोरियल्स के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं बच्चों, तो सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्लास 11 पूरी तरीके से कर लिया है, क्लास 12th में आप देख रहे हो कि इस समय हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हैं और साथ में बच्चों इनऑर्गेनिक में आने ही लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी 7th लेक्चर बच्चों इस समय चल रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग डायरेक्ट जेई मेन के 2017 के क्वेश्चन से बात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ कुछ ई नॉट का डेटा दिया गया है ना, दिख ही रहा होगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि ई नॉट का डेटा दिया हुआ है हमें, और उस डेटा से हमें ये पता करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उसका क्या होता है बोलिए, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो उसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन, यानी कि अब हम इन डेटा में क्या चेक करें, दैट इज द क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको इनका एसओपी दिया हो, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो जिसका मैक्स होगा वो आपका क्या होगा बच्चों बताइए, जिसका भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्स होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा चांसेस होंगे, है ना, उसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की, और जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यानी कि मैक्स एसओपी, दैट इज़ द मेन थिंग। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें बच्चों, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो ये है कि Cl2 से Cl- जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है वो SrP दिया गया है। इसको भी देखें तो ये Cr3+ जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये भी आपका SrP दिया गया है। इसको भी देखें तो SrP दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, वैसे तो पता ही रहता है आपको, लेकिन फिर भी आप देखिए कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 14x+6 से +3 गया है, तो इसने भी गेन ही किया है इलेक्ट्रॉन। यहाँ से भी आप जानते हो कि +7 से ये +2 गया है, तो यहाँ पर भी ये गेन ही किया है इसने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो SrP लिखा हुआ है, इन चारों का क्या लिखा हुआ है, इसको आपको समझना होगा बच्चों कि क्या डेटा दिया गया है। तो डेटा जो गिवन है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, लेकिन हमें क्या देखना था कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो वी नीड टू कंसीडर फॉर मैक्सिमम SOP। तो भाई हम तो जानते हैं कि आप SOP से अगर SrP में कन्वर्ट करते हो तो साइन चेंज किया जाता है, तो यानी कि सीधा सीधा मैथमेटिकल बात करें, अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकल बात करें तो मैक्स SOP है तो मिनिमम SrP होना चाहिए। तो SrP दिया है तो SrP के टर्म्स में बातें करेंगे, तो सबसे कम SrP किसका है, तो जिसका नेगेटिव है उसी का सबसे कम SrP है, यानी कि Cr3+ से Cr। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि काफ़ी बच्चे ये तो समझ गए कि अच्छा Mn2+ तो नहीं होगा भाई, और Cl- भी नहीं होगा, तो ये क्रोमियम वाला है। लेकिन अब कहानी ये है कि क्रोमियम 3+ से क्रोमियम तो -0.74 वोल्टेज दिया गया है। अब इसमें आंसर Cr3+ लिखे कि Cr लिखे, मैं मतलब बता रहा हूँ भाई, बताने को टीचर कह सकता अच्छा चलो डी ऑप्शन Cr हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि आपके अंदर क्या क्या डाउट आ सकते हैं कि भाई क्योंकि दोनों ही ऑप्शन है ना, Cr3+ भी है Cr भी है,
तो आपको ये देखना है कि आप क्या चेक करने वाले हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ये डिसाइड होता है कि कितना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन यानी कि ये एक्चुअल में जो लिखा हुआ है ई नॉट सी आर से सी आर थ्री प्लस एंड फॉर दैट रिएक्शन इट इज 0.74 वोल्ट। तो यानी कि अब आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सी आर से सी आर थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑक्सीडेशन व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सी आर को ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, तो यही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या, ये होगा क्या, खुद से अकल ये लगाइए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है एंड बी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते बच्चों पेपर में और बच्चे गलत भी बहुत करते हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन क्लियर थिंकिंग के साथ, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आई डोंट थिंक कि देर इज एनी प्रॉब्लम कि आप इसमें कन्फ्यूज हों। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों। तो 2017 के सवाल से बढ़कर 2012 के सवाल पे हम लोग अब बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP दिए गए हैं। तो डेटा लिख लेते हैं हम लोग, SRP दिया गया हमें Zn2+ से, ये सही डेटा है आपका, Zn तक का दिया गया भाई, SRP ही है ये, Zn2+ से Zn इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसी तरीके से Ni2+ से निकल दिया गया आपको, और इसी तरीके से आपको Fe2+ से Fe दिया गया है। वेरी गुड, तो ये डेटा आपको जो दिए गए हैं दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट बच्चों। -0.76 दिया गया है, बहुत अच्छे से लिखिएगा, मैं बहुत मतलब बारीकी से इन क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा कि आप आराम से बच्चों जाकर क्वेश्चन कर पाएं। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो आपको क्या करना है, ये बात आपको समझनी है कि जब हम लोग ई सेल लिखें बिकॉज दीज आर बेसिकली व्हाट दे, ये क्या है, ये एक रिडक्शन का रिएक्शन लिखा हुआ है बच्चों Zn, और इसका ई नॉट जो लिखा हुआ दैट इज -0.76। आपको याद होगा थ्योरी में जब ये पूछा गया कि भाई किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, तो हम लोगों ने कहा आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो देखना है कि जब नेट रिएक्शन हम लोग लिखें तो ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, यही बताया गया था। ये जो रिएक्शंस हैं वो आपके रिडक्शन है, तो मतलब किसी को ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, इन्हीं में से चीज़ों को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो अब उसको आपको साइन चेंज करना है कि जब दोनों का नेट करें तो पॉजिटिव आ जाए। क्लियर है, जब दोनों का नेट लिखें तो पॉजिटिव आ जाए। तो जैसे इन्होंने कहा कि एक्स और वाई लेते हैं, तो एक्स एक्स को आयरन बोल रहे हैं ये, तो आयरन का ये लोग बोल रहे हैं कि उल्टा रिएक्शन लिखो, यानी कि उसको लिखिए आप 0.44, क्योंकि देखिए आयरन Fe से Fe2+ जाए, यहाँ पे तो Fe2+ से Fe, तो यानी कि ये रिड्यूस ना हो के इसका SOP लिखना है, और दूसरा जो इसके साथ है जिंक उसका SRP लिखना है। तो आप मेरे को बताओ ये पॉजिटिव आएगा क्या, इसलिए कह रहे हैं मतलब क्वेश्चन करने से और क्लैरिटी आपके अंदर आती है। ठीक है, तो 0.44 माइनस, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, समझ गए। अब जिंक और निकल को आप देखें, तो जिंक का पलट के लिखें तो 0.76, और ये मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा जिंक का और निकल का रिडक्शन होगा। तो अब आप देख ही लीजिए बच्चों यहाँ पे कि 0.76 माइनस 0.23 ये पॉजिटिव है। अब ये यहाँ तो एक ही हो सकता है, लेकिन मोर देन वन करेक्ट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, तो उसको भी देखिए। अब निकल को आप उल्टा करो, अगर 0.23 उसके साथ आयरन लगाओ तो गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो सी नहीं हो रहा है। अब जिंक निकल का एक तरफ से पॉजिटिव आया तो दूसरी तरफ से तो निगेटिव ही आएगा, उल्टी रिएक्शन लिखोगे तो क्लियर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ है। तो बिल्कुल उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, बस पूछने का अंदाज अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जो 2012 में पूछा था वही चीज़ तो पूछ रहे हैं 2017 में। क्लियर है। अब JEE 2009 का एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से बच्चों देख रहे हैं, मतलब ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर द रिडक्शन ऑफ NO3- आयन
इन एन एक्वस सॉल्यूशन ई नॉट इज 0.96 वोल्ट, समझिएगा बात को, यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है, एनओ थ्री माइनस का रिडक्शन का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है ई नॉट 0.96 वोल्ट. वैल्यूज ऑफ ई नॉट फॉर सम मेटल आयंस आर गिवेन, ई नॉट की वैल्यूज गिवेन है, ठीक है. और ये क्या है, सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वी टू प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है -1.19, एफ ई थ्री प्लस का है एफ ई, और ए यू थ्री प्लस का है, तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है. अब क्वेश्चन ये है, द पेयर ऑफ मेटल दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एनओ थ्री माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑक्सीडाइज्ड बाय यानी कि एनओ थ्री माइनस खुद तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खुद तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरा पार्टी जो है क्या होना चाहिए इसके साथ, ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, दूसरी जो पार्टी है वो क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड होनी चाहिए. तो इसका तो 0.96 वोल्ट ही रहने वाला है, मतलब इसके साथ आपको लिख के यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी कि पॉजिटिव आए तब रिएक्शन होगा. दूसरी तरफ आपका, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ मेटल दैट इज ऑक्सीडाइज, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका तो आपको SRP लिखा हुआ है ना, अरे खुद बोल रहे बेटा है ना, समझा करो कि रिडक्शन ऑफ एनओ थ्री एक्वस सॉल्यूशन और ई नॉट उसका दिया है, फॉर रिडक्शन ऑफ एन 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 ई नॉट गिवेन है, फॉर रिडक्शन ऑफ एनओ थ्री माइनस ई नॉट गिवेन है, फिर से सुन लो, फॉर द रिडक्शन ऑफ एन ओ एन ये दिया है, तो ये क्या है, रिडक्शन की वैल्यू दी है ना भाई, पढ़ो तो ध्यान से आप लोग. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द पेयर ऑफ मेटल दैट आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एनओ थ्री, तो भाई इनका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बाकी के लोग, तो इनकी वैल्यूज आप लिखिए, यानी कि वेनेडियम की वैल्यू लिखिए 1.19, देखो हो जाएगा है ना, क्योंकि प्लस आना चाहिए. Fe का लिखिए आप घुमा फिरा के इसके साथ, इसका देखिए दिक्कत है ना, इसका तीसरा गोल्ड का, तो Fe लिख लिया, यहाँ गोल्ड लिख लिया, और यहाँ मरकरी लिख लिया आपने -0.86, ये क्या है, मरकरी है. अब आप इसमें से देखिए कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, तो पहला तो पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी पॉजिटिव हो रहा है, बहुत सही बात है, लेकिन तीसरा देखिए लेस देन जीरो हो गया है, और चौथा भी पॉजिटिव हो रहा है. तो कह रहे द पेयर्स ऑफ मेटल दैट आर ऑक्सीडाइज बाय एनओ थ्री माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन इज, तो वेनेडियम एंड मरकरी, वेरी गुड, हो रहे हैं भाई, वेनेडियम का भी पॉजिटिव आया है, उमर का, देखो सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बोलना मेरे को सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ भाई इसमें क्या ऐसा मुश्किल पूछ रहे हैं. देखो मरकरी एंड आयरन दोनों पॉजिटिव, वेरी गुड, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है. सी ऑप्शन में देखिए आयरन एंड गोल्ड, तो आयरन में आइए पॉजिटिव है, पर गोल्ड ही बच्चों ऐसा है जो निगेटिव है, तो गोल्ड आ गया तो काम गड़बड़ा गया भाई, गोल्ड आ गया तो काम गड़बड़ा गया. और डी में देखिए आयरन एंड वेनेडियम, तो वेनेडियम को आप जरा देखिएगा बच्चों पॉजिटिव है, और आयरन को भी देखिएगा पॉजिटिव है, तो डी, तो यहाँ पर आपको मोर देन वन करेक्ट वाला था, तो यहाँ पे ऑप्शन आए आपके ए बी डी, क्या ऑप्शन आए हैं, ए बी डी, दे आर द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, और इसको देखिए ये कैसे होगा. अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपको बताया गया होगा कि जब हम लोग रिएक्शन मतलब जब ई सेल निकालते हैं तो हम लोग तो डायरेक्ट मतलब ई को ऐड कर रहे हैं, एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि वी कैन नॉट ऐड डायरेक्ट. आपको याद होगा कि हम लोग स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स में डेल्टा जी का यूज़ करते थे, एंड यानी कि जो फॉर्मूला यूज़ होता था वो था डेल्टा जी इज़ इक्वल टू -NFe0. तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेट रिएक्शन में, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में फ्लो कर रहे हैं, तब हम लोग डायरेक्ट ई नॉट को ऐड कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम ई नॉट को ऐड ही कर रहे थे ना, यहाँ पर भी डायरेक्ट ई नॉट ऐड कर रहे हैं, डेल्टा जी तो नहीं यूज़ किया, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. जब हम नेट रिएक्शन लिख रहे हैं, ई सेल लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे वो सेम ही हो रहे होते ना,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा होता है, अलग नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं वहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग नेट रिएक्शन लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो हम ऐसे डायरेक्ट ई की वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये दिया गया आपका कि Cu2+, बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, गड़बड़ कर देते हैं बच्चे इसको, और क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो इसीलिए हम इसे करा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए Cu2+ इलेक्ट्रॉन से Cu+, ऐसा नहीं कि हम लोगों पहले कराया नहीं है ऐसा क्वेश्चन कराया, फिर भी आपसे उम्मीद है कि आप गलत करोगे, है ना, क्योंकि आपने तो बोला ही कि हमें गलत करना ही करना है। तो ये देखिए, दो इलेक्ट्रॉन और Cu है। अब हमें क्या चाहिए इनसे? हमें चाहिए Cu++ इलेक्ट्रॉन, Cu चाहिए। अब क्या होता है कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो Cu2+ गायब हो जाएगा और इस रिएक्शन में Cu2+ है भी नहीं, और दो में से एक इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, ठीक है, और इधर क्या होगा कि Cu-Cu+, तो इधर की तरफ क्या लिखोगे आप Cu-, तो माइनस वाले को उधर भेज दो तो Cu+, तो यही रिएक्शन बनती है अगर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे। और इसमें क्या है, वैल्यूज क्या है इनकी दिए। अब देखो, गलत करने का मतलब 100 तरीकों में से एक ये भी तरीका है क्वेश्चन के अंदर कि 0.34 वोल्ट और 0.15 वोल्ट, तो क्या करो इनको घटा दो, है ना, और आपके लिए मतलब वो लिखा रहेगा ऑप्शन में, मैं आपको बता दूंगी, ऐसा चमक के वो ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा कि आप कहोगे बिल्कुल बस सही हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, 0.19 वोल्ट करके आओगे और बच्चों गलत हो जाए। देखो, गलत होने का कारण ये है कि एक रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है जबकि इसमें एक हो रहा है और इसमें एक, अगर सब जगह एक 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 हो रहा होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम नहीं है, क्योंकि आप तो शॉर्टकट लगा रहे हैं और वो भी शॉर्टकट तब जब एन की वैल्यू सेम होती है। एक्चुअल में क्या करना है आपको, डेल्टा जी नॉट लिखना है, डेल्टा जी की वैल्यूज यहाँ पर लिखनी है, तो आपको क्या करना है कि पहले वाले का डेल्टा जी लिखिए, तो इसका जो डेल्टा जी होगा वो होगा माइनस एन, एन यहाँ पर 2 है, एफ है, इंटू 0.34। सीधा सीधा लिखा हम लोगों ने इस रिएक्शन को, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं किया है, यही लिखेंगे हम लोग। जो दूसरी रिएक्शन है ना, दूसरी रिएक्शन भी दिख रही है जो ऊपर वाली है, उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है -2F इंटू 0.15। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो नेट आएगी वो हमें लिखनी है। अब इसकी हमें लिखनी है तो इसमें एक रहेगा, तो इसमें लिखेंगे -1 इंटू एफ इंटू, अपने को इसका ई नॉट पता करना है, जबकि हमें क्या करना है ऊपर वाले से दूसरे को घटाना है, तो -2F इंटू 0.34 और जब घटाएंगे तो ये प्लस आएगा, तो 2F इंटू 0.15। अब आप देखिए कि F F और F कैंसिल हो गए, तो ये आपका ई नॉट, और माइनस से इसको प्लस कर देंगे हम लोग 0.68, और ये माइनस यहाँ पर 0.3, तो E नॉट जो है दैट इज 0.38, तो E नॉट की वैल्यू आ रही 0.38। यार इसको क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, मैं भाई क्या क्या कर देते हो, एक था 0.15, अब सही आएगा, ठीक है, समझ में आई बात, 8, 5, 3 और 6, 5, तो 0.53 वोल्ट है ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए आपका जो E नॉट आ रहा है दैट इज 0.53 वोल्ट आ रहा है। तो क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। अब कह रहे ऑल्सो प्रेडिक्ट वेदर Cu+ अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन और नॉट। तो डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि एक ही एटम जो है ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, तो वो रिएक्शन आपको लिखनी है, तो वो कौन सा होगा जो बीच वाला होगा। यहाँ पे देखो 2+ है, +1 है और एक है 0 वाला, तो जो Cu+ है वो रिड्यूस
होकर सी यू बन सकता है और ऑक्सीडाइज होकर सी टू प्लस बन सकता है। तो यानी कि आपको क्या करना है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखनी है प्यारे बच्चों कि सी यू प्लस लिखो यहाँ पर और यहाँ पे आप लिखो सी यू टू प्लस और सी यू, ये आपको काम करना है। यही तो है, बोलो भाई यही तो है, यही तो है सी यू प्लस से सी यू टू प्लस और सी यू, तो इसको बैलेंस करेंगे तो टू सी यू प्लस से सी यू टू प्लस प्लस सी यू, ये चाहिए हमें, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अगर इसका इस रिएक्शन का भी डेल्टा ई नॉट अगर पॉजिटिव आ जाए, इस रिएक्शन का भी अगर डेल्टा ई नॉट पॉजिटिव आ जाए तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो प्रेडिक्ट वेदर सी यू प्लस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन और नॉट, तो वो कब होगा जब डेल्टा ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अब आपको ये सोचना है कि इन दोनों रिएक्शंस की हेल्प से या इन तीनों रिएक्शन, अब तो हमें इसका भी डेल्टा ई नॉट का वैल्यू मालूम है तो इस रिएक्शन को भी यूज करके और इन रिएक्शन को यूज करके क्या हम ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। तो दो सी यू टू प्लस है तो यस कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको उल्टा करें, ध्यान से देखना, इसको उल्टा करें, ऊपर वाले को उल्टा रिएक्शन लिखें, इधर लिखूं मैं उल्टा लिखूं तो सी यू प्लस सी यू टू प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। दूसरे वाले को भी इधर की तरफ आना है ना, सी यू टू प्लस, तो और सी यू किधर आना भाई, तो सी यू प्लस गिव्स सी यू टू प्लस इलेक्ट्रॉन, तो दिस टाइम आई कैन राइट हियर, क्या लिखूं बोलो, इसको दो से मल्टीप्लाई करें, इसको क्या करें हम लोग, दो से मल्टीप्लाई करें, तो सी यू प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी लिखो सी यू प्लस इलेक्ट्रॉन सी यू, अरे हो गया है ना, देखो अच्छा क्लियरली वहाँ लिखते, नहीं तो कंफ्यूजन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो इसको भी हम देखो यूज़ कर रहे हैं जो नया हमने अभी भी बनाया है, सी यू प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सी यू, ठीक है भाई यहाँ तक सही है। और दूसरा क्या था कि सी यू प्लस से ये वाला गिव सी यू टू प्लस, सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, टू की एक ही ये, अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो टू सी यू प्लस गिव्स यू सी यू प्लस सी यू टू प्लस। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, तो आप ई नॉट की वैल्यूज को भी डायरेक्ट लोगे ना, अगर आप ई नॉट की वैल्यूज को भी डायरेक्ट लोगे तो गलत नहीं होगा। तो सी यू प्लस से इलेक्ट्रॉन सी यू जाने का जो रिएक्शन का ई नॉट आया है वो 0.5 थी, तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और कहाँ डेल्टा जी का यूज़ करना आना चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट है यार, इसी से तो आपकी अच्छी रैंक आती है, ये सब जानने से और क्या, वहाँ कोई नया आपको ज्ञान थोड़ी नहीं करना होता, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को समझना है। अब नहीं समझते जो लोग हम उनका क्या करें, तो टू सी यू प्लस सी यू प्लस सी यू टू प्लस, और देखो मल्टीप्लाई करने से ई नॉट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शायद याद हो, ठीक है, कि जो कि नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ई नहीं चेंज होता है, ई सेम रहता है रिएक्शन का, उसको चाहे 5 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दूसरे रिएक्शन का ई नॉट उल्टा करके लिखा गया तो माइनस 0.5 होगा, माइनस 0.15 होगा। अब दोनों ऐड कर लो, 13, 5, 8 और 4, 1, 3 तो 0.3 वोल्ट, तो ये 0.38, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो अब हम लोग साइंटिफिकली वी कैन से दैट कि यस सी यू प्लस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, सो वी कैन से कि सी यू प्लस अंडरगोज
डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, सी यू प्लस अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन, सी यू प्लस अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन एज, कैसे पता हमें ई नॉट इज पॉजिटिव, तो कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। पहले भी हम लोग क्या देखते थे, हम लोग यही तो सीखे भैया थर्मोडायनेमिक्स में कि जो डेल्टा जी होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सीख रहे हैं कि ई नॉट निकालो और अगर नेट रिएक्शन पॉजिटिव आता है उसका ई नॉट, तो वो फीजिबल है रिएक्शन, अदरवाइज वो रिएक्शन फिर फीजिबल नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर जेई मेन 2014 क्वेश्चन के लायक हैं। लायक तो हमेशा ही से आप रहे हैं, पर अब और लायक हैं। तो गिवेन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस, तो आपको देखिए कि हाफ सेल रिएक्शंस दी गई हैं, ओके, एंड द ई नॉट फॉर 3Mn2+ गिव्स Mn+2 Mn3+, ये रिएक्शन आपको लिखनी है। तो आपको बताना है कि माइनस आने से रिएक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, द रिएक्शन विल अकर, द रिएक्शन विल नॉट अकर, ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। चले भाई, रेडी हो? तो गिवेन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस, Mn2+, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है Mn, एंड द ई नॉट फॉर द रिएक्शन इज गिवेन एज -1.18 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों दिया गया है, Mn2+ का क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। और जो दूसरा रिएक्शन दिया गया है दैट इज 2Mn3+, 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 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn2+, इसका ई नॉट दिया गया है कितना, +1.51 वोल्ट, ठीक है। अब इनसे इसको निकालना है भाई, 3Mn2+ इससे निकालना है, बताओ 3 कैसे आएगा, थ्री मतलब इसको पलट के लिखो, है ना, इस वाली रिएक्शन को क्या करो आप, पलट के लिखो तभी तो 3 होगा। तो इसको जब आप पलट के लिखोगे, तो मैं पलट के लिख दूं इसको, 2Mn2+ गिव्स 2Mn3+, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, पलट के लिखा दो। तो यहां पर देखिए ई नॉट जो आया है वो पलट के लिखेंगे तो -1.51 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने पलट के लिख दिया डायरेक्ट यहां से वैल्यू को उठा के, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब दोनों हम ऐड कर रहे हैं, अब देखो जब दोनों ऐड कर रहे हैं तो ये 3Mn2+ हो गया है, ठीक है, और ये हमें गिव कर रहा है Mn+2Mn3+, है ना, 3Mn2+ विल गिव Mn+2Mn3+, तो ई नॉट कितना आ रहा है देखो, 9.6 -2.69 वोल्ट, ठीक है, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इस ई नॉट का रिएक्शन जो है वो कितना आ रहा है भाई, -2.69 आ रहा है,
तो दो जगह अपने को दिया गया है माइनस 2.69 और माइनस 2.69। अब देखो नेगेटिव आया है, अगर ये नेगेटिव आया तो रिएक्शन होगा क्या? क्योंकि अगर इसका डेल्टा जी भी लिखे हम लोग तो डेल्टा जी कैसा होता है? माइनस एन एफ ई नॉट, ये होता है। तो जब ये डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रिएक्शन क्या होता है? नॉट फीजिबल। समझ में आ रही बात? तो रिएक्शन विल नॉट अकर। तो माइनस 2.69 वोल्ट द रिएक्शन विल नॉट अकर, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, माइनस वाले में रिएक्शन कैसे हो सकती, खुद सोच के बताना आप मुझे, ठीक है? तो डन है, तो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AI EEE 2004 का क्वेश्चन, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? सो द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन चेंज इज फाउंड टू बी इतना, ठीक है? मतलब N की वैल्यू कितनी दी गई है? वन। और स्टैंडर्ड EMF E नॉट की वैल्यू कितनी दी गई भाई? 0.591 वोल्ट। एंड टी जो है वो आपका 25 है, यानी कि 298 केल्विन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी कि के पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई, अब डेल्टा जी नॉट आपने पढ़ाई है कि ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, ठीक है? और ये भी आपने पढ़ा है कि ये आर टी एल एन क्यू, वैसे तो ई नॉट माइनस आर टी एल एन होता है, अभी ये क्या हो रहा है? माइनस आर टी, क्योंकि के वो क्या कहते हैं उसको, ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो इस समय आपका डेल्टा जी नॉट विल बिकम माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट। वैसे तो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट है ना माइनस आर टी प्लस आर टी एल एन क्यू, ऐसा होता है ना फॉर्मूला। तो डेल्टा जी तो जीरो हो गया इक्विलिब्रियम में, तो क्या आ गया हमारा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें इक्विवेलेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट, एंड द वैल्यूज दैट आर गिवन, एन दिया है, फेराडे दिया है, ई नॉट सेल भी दिया है, आर भी दिया है, तो सब तो दिया है भाई, टेम्परेचर भी दिया है, तो सब कुछ दिया है बेटा, तो क्या दिक्कत है आपको? तो अब आप लिख लीजिए यहाँ से, E नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विवेलेंट। तो बस क्या है, 2.303 आर टी, और ये तो प्रूफ ही किया आपने, N को अलग करके सारी वैल्यूज की वैल्यू 0.06 लिख सकते हो आप, और यहाँ पे लॉग ऑफ के इक्विवेलेंट, तो ये आप लिख लीजिए 0.591। अच्छा यहाँ पर भी यही आ रहा है ना, ये बढ़िया है, 0.591 यही आता है, इधर भी यही आ रहा है, बढ़िया मस्त। यहाँ पे 0.0591 आता है, एक सेकेंड, इतना गलतबाजी ना करें, गलतबाजी वन, और यहाँ पे लॉग के इक्विवेलेंट है। अब इससे इसको काटेंगे तो ये 10 आएगा बच्चों, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोल देना भाई, 10 की पावर 10। अब देखो थोड़ा भी डेसिमल वेसिमल में गलत हुआ ना, तो ये बैठे हुए भाई साहब आपका गलत कराने के लिए, डी वाले इसीलिए वहाँ पर, एकदम धोखाधड़ी आपके साथ करने के लिए। तो आप देखिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो मेन पॉइंट ये है कि आप डेल्टा जी को समझते हैं, डेल्टा जी के फॉर्मूले को समझते हैं, ए नॉट के साथ कैसे रिलेटेड है, ये डेरिवेशन बेसिकली यू आर अंडरस्टैंड। अरे छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ोगे, दिमाग खोल के पढ़ोगे, बिल्कुल आसान है भाई, कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है। दिमाग बंद करके मत बस पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस ख़त्म करने के लिए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर Cr3+, ये तो रिडक्शन हो रहा है भाई, बोल दो ये रिडक्शन हो रहा है, और ये द पोटेंशियल फॉर द सेल इज,
अब देखो यहाँ पर ई नॉट नहीं पूछ रहे हैं, पोटेंशियल फॉर द सेल यानी कि इस सेल का पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो इन कंसंट्रेशन पे पूछ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले नेट सेल लिखनी पड़ती है, फिर उस पर अपना नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ता है फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि जो ई नॉट आता है वो तो 1-1 पे आता है, स्टैंडर्ड चीज़ों पे आता है, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है तो टेम्परेचर मतलब 298 है, मतलब जनरल वाला केस हम लोग लगा सकते हैं। अब सबसे पहले आप एनोड का रिएक्शन, अब हम कैसे जाने कि कौन एनोड बनेगा कौन, वो सब अभी करते हुए आ रहे। तो देखो मतलब कि क्वेश्चन से मैं कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, टफ लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लोगों, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा कराए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, पर फायदा ही नहीं उठाओगे तो कैसे काम चलेगा। ई नॉट सी आर थ्री प्लस और सी आर जो है -0.72 वोल्ट है, अगर इसको पॉजिटिव कर दें तो फिर दोनों का नेट जो होगा वो प्लस आ जाएगा। तो आप इसको तो ऐसे लिखो सी आर थ्री प्लस एंड दैट विल गिव यू 0.72 वोल्ट, प्लस हो गया आप देखिए। और ये ई नॉट एफ ई टू प्लस से एफ ई हो गया एंड दैट इज 0.42। अब दोनों का एडिशन करेंगे तो 741.14 वोल्ट। अरे माइनस क्या करते हो, माइनस था ना ये, अब ये कितना आ गया 0.74, तो 0.30 वोल्ट, ये आपका ई नॉट सेल आया। अब लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फॉर द एंटायर सेल वो हमने लिखा नहीं, उसको लिखे क्योंकि यहाँ पर तीन, देखो यहाँ पे तीन का ट्रांसफ़र हो रहा है दो का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू 6, याद है रेडॉक्स में हम लोग एन फैक्टर निकालते थे, इसका 3 इसका 2, तो क्रॉस कर लो तो 6 आ जाता ना, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। एक यहाँ पर ये एन की वैल्यू 6 आएगी, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे आपके लिए सी आर से सी आर थ्री प्लस, ध्यान से देखें, और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोगों ने लिख ली। दूसरा लिखिए आपकी एफ ई टू प्लस है यहाँ पर, और वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर लेकर एफ ई बन जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2Cr gives 2Cr3 plus plus 6 electrons, और यहाँ पे 3Fe2 plus plus 6 electron gives 3Fe, अब दोनों ऐड कर लो 6-6 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, तो 2Cr plus 3Fe2 plus gives 2Cr3 plus plus 3Fe, ये 2Cr plus 3Fe2 plus gives 2Cr3 plus plus 3Fe, समझ में आ रही बात। अब हम ये Fe सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड, अब आप इसके लिए नस्ट रिएक्शन लिख सकते हो, क्लियर है। चले भैया आगे बढ़ा जाए, कर लोगे अब, ई नॉट आ ही चुका है, तो अब आप कैसे लिखते हो, ई इज इक्वल टू ई सेल, ई नॉट सेल माइनस एन एफ यानी कि 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ, देख लो यहाँ से कंसंट्रेशन एफ ई सॉलिड का 1 ही हो जाएगा, तो सी आर थ्री प्लस का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए कितना आ रहा है एफ ई टू प्लस का होल क्यूब, एफ ई टू प्लस का होल क्यूब। तो ई नॉट सेल कितना आया बोलो, ई नॉट सेल इज हाउ मच, तो ई नॉट सेल इज 0.3 वोल्ट, उसको रखिए 0.03 वोल्ट, 0.30 वोल्ट, माइनस 0.06, अब 6 था इसलिए मैंने 5.9 नहीं लिखा, कट जाएगा बढ़िया, क्या किसी को परेशानी है। तो लॉग सी आर थ्री प्लस, सी आर थ्री प्लस का भी कंसंट्रेशन 0.1 का होल स्क्वायर है, और एफ ई टू प्लस का भी वही है
0.01 है. ओ माई गॉड, सो दैट इज माई गॉड. तो 10^-1 यानी कि 10^-2 लिख दो डायरेक्ट ही, बाकी तो समझदार हो आप लोग. तो ये 10^-2 है, तो 3, तो 10^-6 है भाई. भाई भाई 10^-6 है, हो जाएगा. अब ये 10^4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10^4 हो जाएगा, और 4 बच्चों बाहर आ जाएगा. तो ये अब हमारा 0.0. अब ना समझें आप तो अनाड़ी हैं, तो थोड़ा सा लॉग पढ़ें. तो 0.26 वोल्ट, ठीक है, 0.26 वोल्ट. थोड़ी देर प्रॉब्लम के साथ रहें, अगर ये स्टेप नहीं आया तो आएगा बच्चों, क्योंकि इतना लोअर क्लास है ये कि आप इसको, असंभव नहीं है कि आप ना समझ पाएं इस बात को कि मैंने क्या कहा, बस आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिए आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है. तो ई सेल इज इक्वल टू 0.26 वोल्ट, बाकी समझने वाले समझ गए हैं ना. तो वही हो गया ये भी क्वेश्चन, AI EEE 2008. तो कुछ मुश्किल है क्या भाई? चलो भाई 2011 का भी कर लेते हैं. द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी निगेटिव. द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी निगेटिव इफ. अच्छा भाई देखो, इस पे तो जीरो ही होगा, ये तो वो इस पे तो जीरो होगा, निगेटिव नहीं होगा. ये स्टैंडर्ड वाला तो जीरो लिया जाता है ना ऐसे ची का. चलो भाई रिडक्शन लिखो, पहले आपको लिखना आना चाहिए कि रिडक्शन हाफ सेल कैसे लिखा जाता है हाइड्रोजन के लिए. सिखाया सब गया पर पढ़ाया गया सब कुछ, पर कितना कर पाते हो आप, कितना बढ़िया से उसको प्रैक्टिस घर जाके याद करना है ना. टू एच टू सही है क्या? टू एच टू की एच टू के बाद एच टू गैस, एन कितना भाई लोग? टू. ये है तो आपको पता है ना कि नस्ट इक्वेशन आप अलग अलग भी लिख सकते हो. तो ई आर पी आपको पता करना है, इधर क्या होता है ई नॉट आर पी, और माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्या लिखते हैं हम लोग. इधर देखिए एच टू गैस है यानी कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और एच प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर. अब आप देखिए ये तो जीरो हो जाता है क्योंकि माना ही जाता है कि एस एच ई का जीरो होता है. तो ई आर पी यहाँ कह रहे हैं कि निगेटिव कब आएगा, तो निगेटिव तो बाहर ही रखा हुआ है बच्चों, क्या दिक्कत है तुम्हें. एन दो साफ साफ नज़र आ रहा है तो टू भी रख ही दो, वैसे उससे फ़र्क क्या पड़ता है. अब देखिए निगेटिव आने का मतलब क्या है, निगेटिव आने का मतलब क्या है, निगेटिव आने का मतलब है कि ये सब पॉजिटिव आ जाए. लॉग का ग्राफ आपने पढ़ी रखा है बच्चों कि पॉजिटिव तब आता है जब लॉग का ऑर्गमेंट एक से ज़्यादा हो जाए. तो यानी कि पी एच टू अपॉन एच प्लस का होल स्क्वायर जब होगा और ये ग्रेटर देन वन आएगा तब ऐसा होगा. अब पहली केस में आप देखो तो क्या ये ग्रेटर देन वन आएगा, वन डिवाइडेड बाई फोर हो रहा है भाई. मैं इतनी कैलकुलेशन करूँ और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन आ गया तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा बाहर, माइनस तो निगेटिव आ जाएगा. जबकि मैं ए पार्ट की कैलकुलेशन अगर यहाँ करता हूँ बच्चों, तो देखिए वन डिवाइडेड बाई फोर हो रहा है तो नहीं हो सकता बच्चों. ये इतना करना है, इतना मैथमेटिक्स करनी है आपको. यहाँ पर दूसरे को अगर मैं देखूँ तो पी एच टू में वन है और एच प्लस में वन, तो मैं बोल ही रहा था ये तो जीरो आएगा बिकॉज लॉग वन जीरो होता है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है. ये तो ई नॉट आर पी ही निकाल रहे हो आप इस चीज़ से, तो इसलिए बी नहीं होगा. यहाँ तो जीरो हो रहा है और यहाँ पर भी. सी में आ जाओ, ये सही है क्योंकि इसमें देखिए ऊपर टू है, नीचे वन का स्क्वायर वन है, लॉग टू आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू आती है. तो सी है, कैलकुलेट थोड़ी ना करना है, सी है. और डी में फिर से बराबर है यार, इसका फिर से जीरो आएगा. नहीं फिर से जीरो तो नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और टू है, टू बाई फोर यानी कि वन बाई टू हो जाएगा. तो समझ गए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोल दो जल्दी से प्यारे बच्चों.
कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। तो कितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप कर रहे हो, कोई ऐसा है कि जो समझने में आपको कोई बहुत ही मुश्किलात का सामना आपको करना पड़े? ठीक है, तो तब तक थोड़ा ब्रेक लीजिए आप, अभी चेक कर लो यार कि रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है ना। एक दो बार काफ़ी धोखा हो गया मेरे साथ। चलो सही है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और बताओ भाई, सब बढ़िया है? अच्छा, अच्छी प्रिपरेशन हो रही है आप लोगों की? लिख दिया करो यार कमेंट वमेंट। अब पता नहीं क्या नहीं अच्छा लगता आपको, जे एडवांस 2018 नहीं अच्छा लगता? जे एडवांस के क्वेश्चन देखिए आपको करा रहे हैं भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, देख लो आप खुद ही देख लो। और क्या चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं भाई। वो लोग तो चुनिंदा चुनिंदा पूछते हैं ना कि देखें ये चीज़ आती कि नहीं आती, तो वो चीज़ सीख रहे हैं। चलो भाई, अब तो जी एडवांस रिसेंट का ही क्वेश्चन है, इसको करते हम लोग। सो फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन दिया गया है कि सेल दिया गया है कि मेटल मेटल आयन वाला सेल है, Mg Mg2+ एक्वस Cu2+ एक्वस Cu। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज 2.7। अब देखो 300 केल्विन पे है, 298 पे नहीं है कि 0.059 जाके लिख देना बेटा, ये सब थोड़ा ध्यान रखो। तो इस सेल का जो आपको E0 दिया है वो बहुत ही प्यारा दिया है आपको, 2.7 वोल्ट दे दिया है, गुड। टेम्परेचर पे विशेष फोकस रखें, दिस इज 300 केल्विन नॉट 298। सो कह रहे व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इज चेंज टू x मोलर द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67 वोल्ट एट 300 केल्विन। तो भैया जब आप Mg2+ का कंसंट्रेशन, मतलब अभी देखिए इनिशियली Mg2+ का कंसंट्रेशन 1 और बाद में Mg2+ का कंसंट्रेशन आपने कर दिया x, तो सेल पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कौन सा x, कि कितना कंसंट्रेशन चेंज किया गया है, चेंज टू, कितना चेंज नहीं किया है, जिस वैल्यू को चेंज किया है वो वैल्यू चाहिए। एफ बाई आर की वैल्यू आपको दी गई है 11,500 केल्विन पर वोल्ट, एफ इज़ द फेराडे कांस्टेंट एंड आर इज़ द गैस कांस्टेंट एंड LN10 को हम लोग 2.30, वो यू ऑलरेडी नो दैट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है जीवन में कि एनोड का रिएक्शन लिख लो भाई, एनोड एनोड एनोड, Mg से Mg2+, Mg सॉलिड से Mg2+ एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, ठीक है भैया। फिर कैथोड का रिएक्शन लिख लो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ढंग से आपको दिखने लगते कि ΔG यूज़ करना है कि E0 वगैरह, ये सब पता चलता बच्चों। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा तभी इसने Cu सॉलिड बनाया है। अब इन दोनों को ऐड कर लो आप, तो Mg सॉलिड प्लस Cu2+, और दो इलेक्ट्रॉन तो कट ही गए हमारे, Mg2+ प्लस Cu सॉलिड, तो ये N की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। N की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब हम लोग देखें, अब देखिए यहाँ पे काम क्या बढ़िया है, When the concentration of Mg2+ is changed, तो देखो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है कई बार आप ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली सोचो तो जे एडवांस वाले उतना कॉन्सेप्चुअली नहीं सोचते, और कभी कभी आप कॉन्सेप्चुअली ना सोचो तो जे एडवांस वाले सोच लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है हिसाब किताब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा ही हुआ। अब आप मेरे को बताओ कि पहले जब ये था तो इक्विलिब्रियम में पूरा ये मामला था, ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में रहती है ना। तो अब इस रिएक्शन में आप देखिए
कि पहले अगर कंसंट्रेशन 1-1 था और एक को आप चेंज करोगे तो दूसरा भी तो चेंज होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक कंसंट्रेशन खड़े खड़े चेंज हो जाएगा और बाकी के कंसंट्रेशन जो है नहीं बदलेंगे। इक्विलिब्रियम में आपने देखा है कि जो है क्या होता है कि लीच एडले प्रिंसिपल करो तो एक को चेंज करो तो दूसरे में भी इफेक्ट आता भाई, क्योंकि के की वैल्यू सेम टेम्परेचर पे सेम बनी रहती है। तो एक को चेंज करोगे तो के की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए दूसरा भी तो चेंज होता है। एकदम बेसिक बात है कि नहीं है। अब देखो कि ये जे एडवांस वालों ने कैसे गलत इसका आंसर दिया है वो देखेंगे हम लोग। मतलब सब बड़े जहाँ आप जाने के लिए रोते रहते हो सारी बाकी कोचिंग, उन्होंने भी गलत दिया है। तो क्या किया इन महान भाई लोगों ने, सबने मिल के, मतलब जे एडवांस वालों ने भी, उनको मतलब कहीं कहीं तो वो बहुत बड़ा अपने आप को वो कर देंगे जे एडवांस वाले एकदम कि भाई ये ऐसे होगा वैसे हो, कहीं कहीं एकदम बिल्कुल वही आराम वाला हिसाब किताब। कि अब देखना, अब सिंपल क्या है भाई, 2.67E बोल रहे ना कि सेल पोटेंशियल चेंजेस टू दिस, और ई नॉट कितना बोला था भाई 2.70 माइनस 300 एयर टेम्परेचर है। आर बाई एफ के कुछ वैल्यू भी दिए भाई, बहुत अच्छे से नीचे लिखना पड़ेगा 11,500, और एन की वैल्यू 2 दी है। अब देखो दिक्कत की बात ये कि एम जी को तो हमने मान लिया कि भाई एक्स हो जाएगा, और CO2+ को जो पहले का है वही पचने वाली बात नहीं है जो उन्होंने यहाँ पर बच्चों किया है। अब आप इसको 2.67 से माइनस करेंगे 2.70, तो दिस विल गिव यू हाउ मच बोलो, पॉइंट माइनस 0.03 ठीक है, और इधर है माइनस 300, और 11-15 कितना होता है यार 2, 5, 10, यानी कि 2 0 तो है ही, एक और 0 आया, और 1, 2, 1, 3 23,000 ठीक है। और इसको आप उसमें चेंज करोगे तो 2.3 इसको ले लोगे, और log 10x। अब ये माइनस काट दिया गया, अब ये 100 हो गया भाई, तो 3 से 3 कट गया और ये 100 है। अब आप इसको 230, तो ये 2.3 हो जाएगा इधर, तो ये आ रहा है 2.3 इधर भी, तो 2.3 log 10x। अब 2.3 कट के 1, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 10 आई। तो पूरा इंडिया ये आंसर दे रहा है, होल इंडिया, और यही जे एडवांस वाले भी। लेकिन अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम था बच्चों, अब मैं, मेरे पास जगह ही नहीं है यही। अब ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, तो मैं इधर से थोड़ा जगह बना ही लूंगा फिर। ठीक है, इक्विलिब्रियम का अब थोड़ा सा जगह बना के यहाँ करते। देखिए भाई इक्विलिब्रियम में ये है कि पहले आपका कंसंट्रेशन कैसा था, Mg प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Mg2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड है ना। अब देखिए T बराबर 0, 1 मोलर और 1 मोलर ऐसा था। टी बराबर टी पे ये कुछ चेंज होगा भाई, 1 माइनस वाई और इसमें प्लस 1 प्लस वाई। अब ये वाली चीज को इन्होंने बोला है कि दिस 1 प्लस वाई इज एक्स, तो 1 माइनस वाई कितना हो जाएगा बताओ, तो वाई की वैल्यू निकाल लो ना, x-1 यानी कि 1 माइनस, और वाई की वैल्यू है x-1, तो ये 2 माइनस एक्स है ना। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सब कुछ तो ठीक है भाई, 1 = log 10 पर जो x है नीचे x/2 - x लिखना चाहिए। बोलो भाई बोलो,
तो ये 10 बराबर एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स लिखना चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब ये 20 माइनस 10x इज इक्वल टू x होना चाहिए, तो 11x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 20/11 ये आनी चाहिए थी सही आंसर है, जो कि जे एडवांस वालों ने भी नहीं दिया। अब देखिए, अब क्या है कि भाई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने किया होता और उसको कॉन्फिडेंट होता अपने ऊपर इतना कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में, तो मे भी अगर वो इस पे विरोध करता है ना। अब टीचर तो नहीं कर सकते विरोध, कोई बच्चे का ही अगर ऐसा आंसर आया हो तभी वो क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता है ना। तो क्लियर है? तो एक्चुअल दिस शुड बी द आंसर। तो अब इससे ये सीख है कि भाई हम क्या करें अगर दोबारा से कोई ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आई विल प्रिफर कि भाई अब एक बार वो लोग ऐसा कर चुके हैं, एक बार वो लोग ऐसा कर चुके हैं तो गो बाई दैट लॉजिक ओनली, और क्या हम बोल सकते हैं, ठीक है? बाकी आप ऐसा करते हो तो फिर आप चैलेंज करने के लिए रेडी रहो, बाकी दुनिया का गलत करा के आपका सही हो जाएगा, तो चैलेंजिंग काम होगा ये, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तो है ही भाई, इक्विलिब्रियम ऐसे थोड़ी नहीं होता कि एक बदल गया और दूसरा नहीं बदला, या तो भाई टेम्परेचर चेंज होता तो ऐसा हो सकता था, अदरवाइज हाउ इज़ इट पॉसिबल कि के इक्विवेलेंट आपका सेम है, के सेम है रिएक्शन का और एक ही कंसंट्रेशन बदला और दूसरा कंसंट्रेशन ही नहीं बदला, है ना? स्पाइडरमैन की कहानी थोड़ी ना देख रहे हैं हम लोग। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। 2018 में तो चलिए जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। इसीलिए जितना आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना भाई, तो आप दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ने लगोगे, ठीक है? आप आगे बढ़ते जाओगे जितना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन देखो कैसे मिस होती। बड़े बड़े लोग मतलब कि अच्छे खासे प्रोफेसर बनाए होंगे लेकिन मिस कर रहे हैं ना वो पॉइंट, ठीक है? सो फॉर द फॉलोइंग सेल ZnSO4, when the concentration of Zn2+ is 10 times the concentration, the expression for delta G is, अच्छा तो आपको delta G का expression केवल पता करना है और कुछ नहीं करना भाई। ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है आई थिंक, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी डेल्टा जी नॉट वाला हम लोगों किया था, आरटी एलएन क्यू होता था, अभी पहला क्वेश्चन किया था शायद थोड़ी देर पहले कि डेल्टा जी जब के इक्विवेलेंट होता तो यहाँ जीरो, फिर डेल्टा जी नॉट पूछ रहे थे और यहाँ पे आरटी एलएन के इक्विवेलेंट, याद है क्या? 10^10 वैल्यू आई थी, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आरटी एलएन के इक्विवेलेंट, समझे? अगर इक्विवेलेंट की बात हो रही हो तब, जब इक्विलिब्रियम में होता है। तो अब यहां क्या है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ZnS ZnSO4 एक्वस CuSO4 CuSO4 सॉलिड, सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम्स द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी इज, तो चलो भाई अब डेल्टा ई नॉट का वैल्यू कितना है, डेल्टा ई नॉट का वैल्यू कितना है 1.1 है और इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 2 है, माइनस एन एफ ई नॉट, तो माइनस टू पॉइंट टू एफ तो डेल्टा जी का वैल्यू इज -2.2f प्लस आर और टी एलएन, और देखो भाई आपका CuSO4 का कंसंट्रेशन और ZnSO4 का कंसंट्रेशन वो लिख लो भाई, रिएक्शन लिखोगे तो जानोगे है ना कि किसका कब लिखना है। तो ये एनोड का रिएक्शन है ZN से ZN2+,
और कैथोड का रिएक्शन है Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu2+ एक्वस गिव्स यू Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो देखो ऊपर Zn2+ होता है और नीचे Cu2+ होता है, तो ऊपर लिखोगे Zn2+ और नीचे क्या होगा Cu+। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक सेकेंड, अब यहां पर देखिए कि Zn2+ का जो कंसेंट्रेशन है वो 10 times है, यानी कि Rt ln 10 है और ln 10 की वैल्यू कितनी होती है 2.303। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ तो Δg = -2। अब देखो क्या मुश्किल पूछा है, कुछ मुश्किल पूछा है क्या भाई? Rt कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो 2.303 Rt माइनस 2.2 F हो गया। तो ये जे एडवांस 2017 का हो गया भाई। चले भाई लगे आज जे एडवांस 2016 भी कर ही लेते हैं आज, करो इसको करो। पढ़ो इसको पहले करो। Rt/F वगैरह की वैल्यू दी गई आपको, Em+4 है ना, कंसंट्रेशन भी दिया गया 10^x से। तो कैलकुलेशन आसान बनाने का सब कुछ दे दिया गया आपको, वैल्यू ऑफ x केवल निकालनी है। करते रहिए। और कितने क्वेश्चन हमें करने, 4-5 क्वेश्चन और करने बच्चों। तो क्या दिया, फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हो रहा है। प्लैटिनम H2+ का कंसंट्रेशन M4, ये तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है इधर, ठीक है। ये दिया है तो पूछ क्या रहे हैं। ई सेल दिया है, बहुत बढ़िया, ई सेल दिया है। E नॉट भी दिया है भाई, इसका तो जीरो ही होता है ना। तो यही आपका नेट होगा, तो लिखिए इसको 0.092, मतलब E सेल है इज इक्वल टू, इधर क्या होता है E नॉट सेल, इधर इसका तो जीरो ही है भाई, तो जीरो प्लस जो भी इसका है रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। ये सब समझना है, ये नहीं कि बस माइनस 0.059 ही होगा, क्योंकि क्या है ना। और दूसरा होगा भाई n कितना होगा यहाँ पे, 2 होगा कि नहीं होगा बोलो? दो ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा M4+ से M2+, और H+ भी आपने देखा ही है कि जब ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे तो H2 का 2H+। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन में लिखे हैं भाई, फिर से लिखें क्या, अब मत लिखो यार H2। अभी इतना तो आपको एग्जाम में भी अपने आप ही याद रहना चाहिए यार, इतने बार आया तो 2H+ गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो है आपका। तो ये 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log, ठीक है। अब रिएक्शन, पूरी रिएक्शन लिख लो इन दोनों को ऐड करके, तो H2 गैस प्लस M4+, अभी जैसे लिखी थी 2H+, और इसको और इस इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखो और देखो कि आता है कि नहीं M2+ एक्वस। तो अब ऊपर क्या होगा आपका M2+ एक्वस, और नीचे क्या होगा बोलो, नीचे क्या होगा M4+, उसकी वैल्यू 10^x दी है, और साथ में प्रेशर दिया रहेगा आपको हाइड्रोजन का गैस का, और यहाँ पे H+ के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब ये तो वन ही है इसीलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ये भी वन है, तो ये बेसिकली ये लॉग में,
ये 10 की पावर x है तो ये बाहर होकर x आ जाएगा, तो लिख दे भाई 0.092 इज इक्वल टू 0.151 और x बाहर आ रहा है तो 0.059x डिवाइडेड बाई 2, तो x नहीं निकाल पाओगे क्या? सॉल्व करो, सॉल्व तो x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। चलिए आगे बढ़े, जेई 2011, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस गिव्स यू 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड, E0 इज 1.67 वोल्ट, एट Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन इज इतना एंड प्रेशर ऑफ O2 इज इतना एंड pH इज इतना, द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब नेक्स्ट इक्वेशन के बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है, तो ये सारे क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन के हैं आपके सारे क्वेश्चंस। चलो ये करेंगे हम लोग। ई नॉट तो दिया ही हुआ है, पूरे सेल का ई नॉट आपको दिया है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 / n log ऑफ Fe, पूरा दिया ही है ना, रिएक्शन दिया ही है, Fe2+ का होल स्क्वायर, नीचे कौन आएगा, सॉलिड है वो तो गया, प्रेशर ऑफ O2 और H+ के कंसंट्रेशन की पावर 4, यही लिखेंगे, बोलो बोलो बस क्या है यार। तो ई सेल आपको निकालना है, ई नॉट सेल कितना 1.67, ठीक है, माइनस 0.059। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे देखें, एन कितना है, तो जैसे रिडॉक्स में करते हैं, क्योंकि एन नहीं पता भाई, अब यहां दूसरे उससे करते हैं, तो मान लो आपको एन फैक्टर निकालना होता रिडॉक्स में, तो आप देखते हैं कि 0 से 2+ जा रहा है, तो एक आयरन के लिए 2+ का चेंज हो रहा है, तो दो आयरन के लिए कितने का चेंज होगा, 4 का, तो एन फैक्टर 4 आता कि नहीं आता, वही तो करना है, तो यहाँ पर ये 4 हम लोगों ने रख दिया है। लॉग Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -3, जहाँ से आ गया 10 की पावर -6, प्रेशर ऑफ O2 कितना आया है, 10 की पावर -1, दैट इज गिवन ओनली, और H+ का कंसंट्रेशन आपके pH से आएगा, तो pH जो होता है दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ होता है, तो pH की वैल्यू यानी कि -3 इज इक्वल टू लॉग H+, तो H+ कितना हो जाता है भाई, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -12, ठीक है, ये कर लिया आपने, ठीक है। अब देख लो कितना आ रहा है, तो 10 की पावर -11, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 और 6, 6 का 1 7 हो जाएगा, क्या सही किया मैंने, 10 की पावर -5 पूरा कर लो जाके, 10 की पावर -6 + 13 = 7, तो 10 की पावर 7 और 7 आ जाएगा, और तो 1.67 - 0.059 × 7/4, सॉल्व करके देखो यार कितना आ रहा है। तो यार देखो एक चीज़ बताएं हम कि 7/4, 8/4 यानी 2 और 2 मतलब 0.1 के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा दूर दूर हैं तो मैंने इसे 0.1 कर लिया है, तो 0.157 कैसे किया, इसको 8 मान लिया तो ये 2 आ गया, और 2 आ गया तो फिर 0.05 × 2 कर लिया, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा माना था और यहाँ थोड़ा सा कम माना था, तो लगभग बराबर हो गया, तो 1.57 दूर दूर में कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो बैठ के करो कैलकुलेशन, क्लियर है।
चलिए तो भाई दो तीन क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन करिए, जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन करिए। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंसीडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ए सॉलिड से ए एन प्लस एक्वस और उसका कंसंट्रेशन भी दिया है, बी टू एन प्लस वन से बी सॉलिड, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड रिएक्शन लिख लो। ठीक है, अब ये दोनों ऐड कर सकते हो आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन क्या आएगी, 2a सॉलिड और ये बी एन प्लस बी टू एन प्लस। देखो करना तो वही, ये एनोड का रिएक्शन लिख लिया हम लोगों ने जैसे हर जगह करते आ रहे हैं, ये कैथोड का रिएक्शन लिख लिया। अब ये कितना हो जाएगा, 2an प्लस ठीक है, तो 2a सॉलिड b 2n प्लस एक्वस और फिर 2an प्लस 1 एक्वस, फिर ये b, ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताइए कितना हुआ, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2n है, एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो कितना है, 2n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। n की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें 2n रखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आता है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन। अब यहाँ पर ये भी देखो कि जो डेल्टा जी नॉट है वो 300 केल्विन पे निकालना है, ठीक है, और डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा जी। तो इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो, द डेल्टा एस नॉट ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्मड एट 300 केल्विन इज, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले S भी देखो गिवन है, जी आर एंथैल्पी गिव सब दिया गया भाई, और डेल्टा S के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर सबसे पहले आप डेल्टा G डेल्टा E इनको तो कर ही लेते हो एक साथ, मतलब कंबाइन। अब बात यहाँ डेल्टा H और डेल्टा G को भी कंबाइन करने की है, तो वो थर्मोडाइनमिक्स से आपको पता है कि जो डेल्टा G नॉट है वो डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S होता है, होता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि जो डेल्टा एच है वो ट्वाइस है डेल्टा जी के, यहाँ रखो आगे, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नॉट माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, तो ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एस आपको निकालना है रिएक्शन का, एंड दैट इज डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, कितना आ रहा है डेल्टा जी डिवाइडेड बाई टी, और डेल्टा जी जो होता है वो निकालने का मतलब है कि माइनस एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाई टी, ये निकालना है आपको, माइनस एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाई टी। तो एन तो टू एन है, एफ भी जानते हो टी भी जानते हो, ई नॉट बेसिकली आपको निकालना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं और बातें देखिए इनकी सुनिए भाई, बहुत कुछ बोला इन्होंने कि इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो, तो यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं हम लोग, तो सुनते जाइए बस, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ए एन प्लस
ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो ई नॉट सेल अब यहां पर हम लोगों का निकल के आएगा। इसका कितना दिया भैया, ए एन प्लस टू बी टू प्लस का, कंसंट्रेशन वगैरह डाल दो यहां पर। ए एन प्लस वन का कंसंट्रेशन कितना है, टू का है, तो दो का चार हो गया, और बी टू एन प्लस वन का कंसंट्रेशन कितना है, एक है, तो ये लॉग फोर हो गया, यानी कि टू एल एन टू हो गया ये। तो ई नॉट सेल माइनस आर टी टू एन एफ, और यहाँ पे लॉग चार एल एन फोर, तो टू एल एन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू एल एन टू हो जाएगा। तो ई नॉट सेल कितना हो गया भाई, दो से दो कैंसिल, आर टी एल एन टू एन एफ, ठीक है, दो दो कट गया, आर टी एन एफ, ये हमारा ई नॉट सेल है। अब आओ यहाँ पर, क्या था यार, डेल्टा एस निकालना है, एन एफ ई नॉट इधर कर लो, आर टी एल एन टू के बराबर हो गया। अब जो निकालना था वो था डेल्टा एस, एन एफ ई नॉट इज माइनस आर टी एल एन टू बाई टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो माइनस आर एल एन टू, ठीक है, समझ में आ गया भाई, टू एल एन टू था यार, टू तो कैंसिल हो गया था, लेकिन टू एन तो चला गया भाई, क्यों कैंसिल किया तुमने, टू एन रखते आओ, तो ये टू एल एन टू भाई, यहाँ तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सभी लिखोगे ना उधर, देखा भी गलत हो गया था, ठीक है, तो माइनस 11.62 इज योर आंसर, ठीक है, तो माइनस 11.62 इज योर आंसर। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते भाई, फॉर द सेल, तो आई थिंक कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा भाई, सारे ले आए हम लोग तो क्वेश्चन, जितने अभी तक आए, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस पर हम लोग सभी ले आए। फॉर द सेल प्लैटिनम सॉलिड एच टू गैस वन एटमोसफियर एच ए 0.1 मोलर ए जी प्लस 10^-8 मोलर ए जी सेल, इफ ई सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.50 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द एसिड एच ए इज। तो देखो ये आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, याद है आपको, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एनोड पे प्लैटिनम लगा हुआ है, हाइड्रोजन वाला एस एच ई है, तो हाफ एच टू गैस एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एक्वस, ठीक है, ए जी एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन वो करें हम लोग, तो ए जी प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होके ए जी सॉलिड हो रहा है। नेट रिएक्शन लिख लो भैया, हाफ एच टू एक ही है ना, एक हाफ एच टू गैस ऐड करो इसे, ए जी प्लस एक्वस गिव्स यू एच प्लस एक्वस प्लस ए जी सॉलिड, ठीक है, तो ये कर लिया, ये सब में इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है, सब इक्विलिब्रियम रिएक्शन रहती है वाली। अब आप इसके लिए ई बराबर ई सेल दिया है, ई नॉट माइनस 0.06 बाई एन एफ, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र 1 हुआ है, और लॉग ऑफ
एच प्लस का कंसंट्रेशन एक ही है, और हाइड्रोजन मतलब इसका तो एटमॉस्फेयर एक है, तो 1 की पावर 1/2 हो जाएगा। और क्या बचा, ए जी प्लस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -8 है। टेन की पावर माइनस 80 तो लिखा है, कुछ गलत तो नहीं देख लिया मैंने? हाँ सही है। तो और H प्लस का कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यही यहाँ निकालेंगे E नॉट, देखो भाई इसका 0, इसका 0.8, तो यहाँ पे 0.8 और इसका 0.5 है, तो 0.5 इसकी वैल्यू, इसकी 0.8, तो ये -0.3 है, -0.3। अब ये 10 की पावर 8 ऊपर जाके 8 बन जाएगा, तो -0.06, तो ये बन जाएगा कितना, 8। -8 ऊपर जाके 10 की पावर 8 हो जाएगा, तो 8 बाहर आ जाएगा। कर लो भैया, ठीक है। अरे यही तो होगा ना, ए जी प्लस, ठीक। तो ये क्या बचा, ये क्या बचा, ऐसे करोगे, रुको, लॉग एच प्लस, प्लस 10 की पावर 8 log 10, यानी 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, 8 log h प्लस और 10 की पावर 8, फिर log में प्लस कर देते हैं हम लोग, तो वो 8 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट कर दो, अब ये 2 हो गया, तो हाफ हो गया ये, तो हाफ इज इक्वल टू, हाफ हो गया ये, और ये हमारा लॉग एच प्लस, और ये है 8, तो अब इधर हाफ माइनस 8 लॉग एच प्लस, तो ये कितना आ गया भाई, -15/2। ठीक है, तो log h प्लस इज -15/2 आया, -15/2 आया। हमें लग रहा है वो थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है यार, ये 10 की पावर -3 है शायद, ठीक है चलो कर लेंगे उसको, देखते हैं अभी। अगर ये बहुत मतलब कम कंसंट्रेशन है, मिसप्रिंट है भाई, है ना, 10 की पावर -3 कर लो इसको, जहाँ जहाँ चेंजेस हो रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, 8 की जगह 3 कर लो, तो ये तो कट गया हाफ, ये कितना हो गया, तो भाई 8 आ गया भाई माइनस। तो एक काम करते हैं यार, आगे का मतलब अब अपने को एंटी लॉग वॉग देखना पड़ेगा यहाँ पर, तो माइनस है ना, हम लोग मान ही लेते हैं कि चलो ये -6 आता अगर, तो एच प्लस, आगे का क्वेश्चन जिससे हम लोग कर ले, मेरे पास एंटी लॉग की वैल्यू भी नहीं इसकी, तो एच प्लस का कंसंट्रेशन वैसे आएगा जब किसी एग्जामिनेशन में, तो अच्छा खासा वैल्यू होगा, तो मान लेते हैं हम लोग कि H प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -3 आ गया। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भैया ये भी तो देखा जाए आयनाइजेशन में अब इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग,
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है के निकालना है, तो एच ए एसिड लो, एच ए एक्वस, और वो क्या देगा आपको, एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस। ठीक है, अब हम लोगों का इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड का कितना था, दिया हुआ है 0.1 दिया है ना, देखा आपने 0.1 दिया हुआ है, इधर देखो इधर, क्योंकि के निकालना है एसिड का। तो फिर क्या होगा भाई, बाद में टी इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस एक्स और एक्स और एक्स ऐसे हो जाएगा, तो 0.1 माइनस एक्स जो होगा वो 0.1 होगा। तो अब के इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, यहाँ निकाल लें, तो के इक्विवेलेंट यानी कि के इज इक्वल टू एच प्लस का कंसंट्रेशन जो कि अभी तो 10^-3 या 10^-5/2 भी मैं ले सकता हूँ, पर चलो -5/2 क्या करना है ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 10^-5/2। ठीक है, और बाकी कौन कौन है, तो H प्लस तो यही है, तो A भी वही है, अरे सही तो है ना, तो ये भी 10^-5/2। ठीक है, और अपॉन में 0.1 यानी कि 10^, अब तो सही हो गया, 10^-, के इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10^-5 और ऊपर चला जाएगा 10^1, तो 10^-4 है ना, 10^-4, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10^-4। ठीक है, अब देख लो मतलब यहाँ पे यार क्या है, 10^-4 है ही नहीं कहीं ना, और अगर हम इसको 10^-3 ले लेना, इस चीज को क्या ले लें, 10^-3, तो इसमें मतलब कुछ डेटा का यार गड़बड़ सड़बड़ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर हम इसको 10^-3 ले लें तो 10^-6 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपका, 10^-5 आ जाएगा, और वो आपका ए ऑप्शन मिल जा रहा है। मतलब यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, समझ गए, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, क्योंकि आपने तो देखा 10^-8 से तो और भी गड़बड़ हो, लेकिन वो सब छोड़ो, मतलब समझो इस बात को कि क्वेश्चन कैसे करना है, आपको पहले यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, ये जो पहले आप करते हो नस्ट इक्वेशन, वहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, और फिर आयनिक वाला पार्ट करना है, इस H प्लस के कंसंट्रेशन को यहाँ यूज़ करके आपको K इक्विवेलेंट्स वगैरह निकाल लेने होंगे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, तो इसको कर लेते हैं। फॉर द सेल प्लैटिनम H2 0.4 एटमॉस्फेयर एंड एच पी एच इज इक्वल टू 1, एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 2, H2 0.1 प्लैटिनम द मेजर्ड पोटेंशियल एट 25°C। तो बहुत आसान है भाई, भी एनोड की रिएक्शन लिखो आप, फिर कैथोड की लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, SHE के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, तो रिएक्शन लिखना ही पड़ता है आपको, तो SHE में एनोड की रिएक्शन तो आप लिख चुके हो कई बार, तो 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड की रिएक्शन में 2H+ ले लेता है ये 2 इलेक्ट्रॉन और वो देता है H2 गैस। ठीक है, तो नेट क्या होता है कि H2 गैस प्लस 2H+ एक्वस गिव्स 2H+ एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, अब लिख लो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर n की वैल्यू आ रही 2। अब यहाँ पर E नॉट सेल यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया दोनों H ही हैं, ये कई बार कर चुके हो, तो माइनस और 20 वही है, तो 0.06/2, तो log H2 का कंसंट्रेशन
दैट इज वन हो जाएगा, 0.1 दिया है, एच टू का कंसंट्रेशन लिखा हम लोगों ने, फिर देखो एच प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, तो कौन सा वाला एच प्लस है, दो एच प्लस है ना, एनोड, यहाँ लिखो कैथोड, तो इधर कैथोड वाला, तो इसका कंसंट्रेशन 10^-2 का 10^-4 हो जाएगा, 10^-2 है देखो यहाँ का कंसंट्रेशन, ये कैथोड का ही तो आया है इधर की तरफ, नहीं 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 इधर एनोड का है भैया, देखो जोड़ने पे इधर एनोड का आया और इधर कैथोड, देखो कितनी दिक्कतें हो सकती भाई अगर सही से आपने थोड़ा भी, तो देखो ये वाली चीज़ एनोड की है, ये कैथोड की है, तो एनोड का कंसंट्रेशन पीएच में 1 है, यानी कि 10^-1 है, तो 10^-1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका ये है, इसका भी कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, वो आपका 10^-2 का होल स्क्वायर है, और साथ में एच टू कितना है, एक ही है, तो 0.4 है, तो इसको पूरा सॉल्व करके आप ई सेल निकालिए, तो कितना आएगा भाई, 0-0.03, ओके, और ये कितना है भाई, 10^-1 का होल स्क्वायर 10^-2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 10^2 ऊपर चला जाएगा, ये 1/4 बचेगा, तो 10^2/4, ठीक है, तो कितना हो रहा है, तो ये कुछ 2 log 5 आएगा बच्चों, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, अभी यार अब कर लेना कैलकुलेशन है ना, तो -0.042 वोल्ट के आसपास, यानी कि ये सी ऑप्शन, ठीक है, तो आई थिंक हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन बच्चों अगर आपने इतना सीख लिया ना, इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लिया ना, तो मतलब ये मत सोचिए मैं बहुत, मतलब जो बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म करते, जिनके नहीं अच्छे परसेंटाइल आते हैं, जे मेन्स हो या जे एडवांस, नहीं उनमें बस यही है, वो कोर्स की तरीके से देखते हैं कि इसको कैसे तो ख़त्म करना है, वो क्या सीख रहे हैं उस पर वो विचार ही नहीं करते, बस ये दिक्कत है, और जिनका हाई पोटेंशियल है, मतलब उन्होंने यहाँ से चीज़ें सीख ली हैं बच्चों, बस ये आप अपने अंदर मतलब ख़त्म करना है, इसको सीरियसली नहीं लेना किसी चीज़ को, उससे जो सीखे हो फिर उस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन, मतलब वो अंदर से इंथू जो होता है ना यार सीखने का, वो मिसिंग रहता है, तो वो अपने अंदर अगर नहीं है आपके अंदर कि हाँ सच में मैं सीख गया हूँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा, एक बहुत है मतलब सफिशियंट यार क्वेश्चन है, मतलब इससे अब अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसमें सब कुछ हो गया है, ठीक है, अगर कोई ना भी प्रैक्टिस करे ना और ये सब कर ले रहा है वो, तो फिर बहुत है मतलब हम क्या अपने अंदर चेंज लाई हो, बस देखो कुछ और थोड़ी नहीं करना होता है, इसी टाइप के तो क्वेश्चन सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, कितने सारे मतलब क्वेश्चन करके उस चीज़ को सीखो, जितने कम में सीख लो उतना एफिशिएंटली हैं आप, ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में और भी प्यारे प्यारे सवालों के साथ, तो चलिए बच्चों बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।